Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. It is your science time, and we are reading lesson number 8 Safety First. Today is your last topic, and today's your topic is about first aid. We are continue, continuing our yesterday topic that is first aid. It's on page number 77. सो वॉट इज फर्स्ट एड फ इमिजिएट फल अटेंशन गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन फर्स्ट एड है पहली हेल्प जो हम किसी को भी जख्मी इंसान को देते हैं चाहे घर पर सड़क पर या स्कूल में डॉक्टर को ले जाने से पहले जो फर्स्ट मेडिकल अटेंशन हम देते हैं उसको खुद ही उसको कहा जाता है फर्स्ट एड तो आज जो हमें पढ़ना है फर्स्ट एड किसके बारे में वैन ए ब्लीडिंग जब किसी को चोट आ जाए और खून निकल रहा हो तो उस वक्त हम क्या फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं वॉश द विद वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लोशन जहां पर जख्म लगा हो उसको हमें पानी से साफ करना है या किसी एंटीसेप्टिक लोशन से एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है ये कोई भी चीज है चाहे हमारे है घर में हो या कोई दवाई हो जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सके तो क्या करना है जहाँ पे चोट लगी हो उस एरिया को पहले पानी से धोना है और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है समझ आया प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट क्लीन कॉटन और क्लॉथ पैड टू तो स्टॉप द ब्लड उसके बाद जहा से खून निकल रहा हो उसको हमें प्रेस करना है कॉटन से या कोई भी कपड़ा लेना है ताकि खून जो है वो रुक जाए टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड उसके बाद उस पे हमें बैंडेज को टाइटली बंद करना है ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर अगर इतना फर्स्ट एड देने के बाद भी वहां खून नहीं रुक रहा हो जख्म से खून रिस रहा हो तो हमें उस जख्मी इंसान को कहा ले जाना है डॉक्टर के पास तो ये कौन सा फर्स्ट एड था जब हम किसी को चोट लगे और खून आ रहा हो तो हमें क्या करना है नेक्स्ट जो है वेन अ पर्सन फेंट्स अगर किसी को चक्कर आए यानी अनकॉन्शियस हो जाए तार, तारी हो तो हम क्या फर्स्ट एड उसको दे सकते हैं If a person faints, make him lie down with his head low. अगर किसी person किसी इंसान को चक्कर आ जाए तो हमें क्या करना है उसको हमें लिटाना है नीचे और उसका सर जो है वो body के मुकाबले में lower level पे रखना है यानी उसको head को नीचे रखना है और body थोड़ी सी उससे उप, ऊपर होनी चाहिए This makes extra blood reach his brain. इससे क्या होगा इस position से ज्यादा खून उसके दिमाग तक पहुंच सकता है और वो जल्दी ही वापस अपने सेंसेस में आ सकता है। है, हमें उसको आराम करने देना खामोशी से वहां पे कोई शोर वगैरह नहीं होना चाहिए तो ये क्या फर्स्ट एड था किस लिए जब किसी को चक्कर आ जाए क्या करना है उसके सर को नीचे रखना है और बॉडी थोड़ी सी ऊपर रखनी है ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जल्दी पहुंच जाए एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई समझ आपको अब क्या है तीसरा वेन इफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज टचिंग अ हॉट प्लेट और ऑब्जेक्ट अगर कोई भी बॉडी का पार्ट जल जाए कैसे जैसे हम किसी गर्म बर्तन को प्लेट को हॉट लगाए या किसी और चीज को पुट कोल्ड वाटर और अप्लाई आइस ऑन दफेक्टेड एरिया या तो पानी के नीचे हमें रखना है वो बॉडी पार्ट या तो आइस लगाना है जहाँ पे जल जला जल गया हो सम एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल और सिल्वरक्स ऑन इट उसके बाद क्या करना है या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है जिस पोर्शन पे जला हुआ हो जो पोर्शन वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है जैसे कि घर में बर्नॉल होता है या सिल्वेक्स फॉर सिवियर बर्नस टेक विक्टिम टू द डॉक्टर अगर ज्यादा जल गया हो खुदा न कोई ज्यादा जल गया हो तो उससे क्या करना है उस वे विक्टिम को जो जला हुआ इंसान है उसको ले जाना है डॉक्टर के पास तो ये था उसके लिए जो जल जाए हम क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं। लास्ट है आपका वेन अ पर्सन इज बिटन बाय एन इंसेक्ट अगर किसी इंसान को कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा काटे तो क्या करना चाहिए डंक मारे तो क्या करना चाहिए वॉश द इफेक्टेड एरिया विद लाइम वाटर एंड देन अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम जिस एरिया पे किसी ने डंक मारी हो तो वहां पे क्या करना है लींबू पानी से साफ करना है उसके बाद बेकिंग सोडा का मिक्सचर लगाना है बेकिंग सोडा एक केमिकल है जिसको खाने का सोडा कहा जाता है या गर्म में जब हम नमकीन चाय बनाते हैं उसमें वो व्हाइट पाउडर मिलाते हैं कश्मीरी क्या बोलते हैं उसको फुल बोलते हैं तो बेकिंग सोडा लगाना है एंड कोल्ड क्रीम बेकिंग सोडा और कोल्ड क्रीम का मिक्सचर बनाना है और उस एरिया पे लगाना है समझ आया प्लेस एंड आइस पैक और दफेक्टेड एरिया उसके बाद आइस पैक रखना है उस एरिया पे जहां पे हमें डंक मारी हो किसी इंसेक्ट ने इन केस ऑफ इचिंग अप्लाई कैलेमाइन लोशन अगर खुजली आ रही हो तो क्या करना है कैलेमाइन लोशन आता है उसको अप्लाई करना है ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स विद एसेंशियल आइटम्स रेडी एट होम इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हमेशा घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए हम सब के पास जिसमें ज़रूरी आइटम्स हो जो फर्स्ट एड के लिए लगते हैं ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो उस वक्त हमें चीज़ें ढूंढ़नी ना पड़े हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलें और फर्स्ट एड लग शुरू करें तो ये था आज आपका टॉपिक है आपको समझ आया होगा इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो गया अब इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं उनकी आप स्पेलिंग्स लर्न करोगे ओके अल्लाह